औरत पे इसके बच्चों पे कहर डालेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है कराची में, ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इस पे देख लेना आप सब लोग, मैं एक माँ कह रही हूँ, ये भी माँ वाली है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी पर, इसके बेटे पर जुल्म होगा। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है हम लोगों के साथ, हम लोगों पर बहुत बड़ी ज्यादती जुल्म किया है। हम पे इसने 2 महीने पहले केस नहीं डाला बेटा, पोस्टमार्टम हो रहा था ना, क्योंकि हमारा केस था उधर, इसमें क्या कहते हैं, दरख्वास्त दी हुई थी हम लोगों ने, ये वाली खुला वाली, तो हमें वो जज साहब डिग्री देते तो हम लोग आते ना इधर पोस्टमार्टम के लिए। हमने कहा जज जब जवाब देंगे खुला हुई है नहीं हुई तो हम आगे आएंगे केस में। जब जज साहब ने हमें, इनके वकील गए, इन्होंने कहा जी हमने लड़ना है, ये तो इतने बेचते हैं इनके वकील पैसा ले लेकर लाखों रुपए, नहीं जजों के सामने बेइज्जतियां करते हैं सर, जजों के सामने, जज को कह रहे हैं कि हम आगे तक मुकाबला करेंगे, ये तो बेवा है। जैसे आपने कहा आप जो फोत हो गया उसको लेकर आए, वो कहेगा कि मैं खुला देता हूँ या नहीं देता, जब बंदा मर गया है तो बात ख़त्म, ये बेवा है उनकी, कानून है कि वो बेवा नहीं है। आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं, आमिर का कत्ल हुआ है, ये क्यों रोक रही है? क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा? क्यों रुकवा रही है? जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे ना ये औरत रहती थी, ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी, हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है, हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। FIA ने जो जुल्म किया है, FIA का काम था, जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते, ये वहाँ गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, वहाँ की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के, 10 बंदे थे FIA वाले, पूरी गाड़ी में 800 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफ़र, उसे नंगा लेकर आए, यही कानून है, प्रूफ दिखाएं, क्यों नहीं लेकर आई FIA वाली प्रूफ, इन्होंने चलान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही ये चलान देते और प्रूफ देते कि जल सब ये इसका प्रूफ है, इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए, आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है, कल आई हो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ़ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है, जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी, ये कह रही है। आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है, आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है, पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुर्मदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हम हैं चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा है। बेटा क्यों भाग गया है? आप सब लोग बताएं बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुसल करवाया था उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया, उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है, ये बताएं आपने लोधरा में खुला की दरख्वास्त दायर, खुला की दरख्वास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी, और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी, 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया, बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो आकर FIA में दरख्वास्त दें और FIA वाले जो हमारी बेटी को नजायज़ लेकर आए, ये ना इंसाफ़ी है, ना इंसाफ़ी है, अल्लाह से डरें।